अगर आप एक घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि होम लोन का इंटरेस्ट कितना होगा और ईएमआई यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं राज पटेल स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री जी एंश्योर पर। और आज के वीडियो में मैं होम लोन इंटरेस्ट और होम लोन ईएमआई कैलकुलेशन के बारे में बात करूंगा। ये दोनों होम लोन के इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, जिसके बारे में जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो होम लोन से घर खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन 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 वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करो श्री जी इंश्योर को और इंश्योर करो कि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस हमेशा आपको मिलते रहें और आप अपने छोटे छोटे कदम फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ बढ़ा सकें, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही तो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो होम लोन इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम सिंपल फ्लैट रेट मेथड से समझते हैं। फ्लैट रेट मेथड में लोन टेन्योर के दौरान इंटायर प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है और ये कांस्टेंट होता है, यानी आप हर महीने सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। फॉर्मूला कुछ यूं है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू लोन टेन्योर। हमने दूसरे एक वीडियो में एग्जांपल के साथ इस फॉर्मूला का यूज करके होम लोन इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियो जरूर देखें। अब समझते हैं ईएमआई कैलकुलेशन को। तो ईएमआई कैलकुलेशन का सिंपल फॉर्मूला है जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, ईएमआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर होल टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ ईएमआई का मतलब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो आपको लोन रिपेमेंट के लिए चुकानी पड़ती है। पी का मतलब है प्रिंसिपल लोन अमाउंट, यानी कि इनिशियल अमाउंट जिस पर आप लोन लेते हैं। आर का मतलब है मंथली इंटरेस्ट रेट जो बैंक आपके लोन पर चार्ज करता है। एन का मतलब है नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी लोन टेन्योर के मंथ्स। मतलब अगर टोटल 24 ईएमआईज हैं तो आपकी लोन टेन्योर है 24 महीने, यानी कि 2 साल। अगर आप ईएमआई कैलकुलेशन को इस एग्जांपल के साथ समझना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करें या ईएमआई कैलकुलेशन वाली जो हमारी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप ईएमआई कैलकुलेशन ऑनलाइन टूल का यूज करके भी कर सकते हैं। ज्यादातर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं जो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट और लोन टेन्योर के बेस पर आपकी ईएमआई की कैलकुलेशन क्विकली कर सकता है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से। ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर टूल ईएमआई की कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान बना देता है। दोस्तों, होम लोन लेने का डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए और लोन के इंटरेस्ट और ईएमआई की कैलकुलेशन करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप पहले से ही देख सकें कि होम लोन का आपके बजट पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप होम लोन इंटरेस्ट कैलकुलेशन और ईएमआई कैलकुलेशन के प्रोसेस को समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए और अवेयरनेस बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल है तो आइए कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं। श्री जी इंश्योर के एक्सपर्ट्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आप वो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें और फाइनेंशियल अवेयरनेस की जर्नी में हमेशा आगे बढ़ते रहें। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।